जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला ग्रामीण विंग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां शहरी विंग की ओर से ओपी सिहाग भी पहुंचे हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस जननायक जनता पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा की अध्यक्षता में करवाई गई। इस अवसर पर यहाँ 41 सदस्यों की ग्रामीण जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जननायक जनता पार्टी जिला पंचकुला ग्रामीण की जिला की कार्यकारिणी 41 सदस्यों की हमने घोषित की है, जिसके अंदर 8 हमने उप प्रधान लिए हैं, 7 उसके अंदर जनरल सेक्रेटरी लिए हैं और 8 उसमें महासचिव लिए हैं, 2 प्रचार सचिव लिए हैं, 1 संगठन सचिव लिया है, 1 कैशियर लिया है और बाकी कार्यकारिणी सदस्य लिए गए हैं। जननायक जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दुष्यंत चौटाला जी पूरे प्रदेश के अंदर जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं, उनकी हर समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सियाल साहब जो शहरी अध्यक्ष हमारे, उन्होंने पंचकुला की शहरी कार्यकारिणी घोषित की थी और उसी कड़ी में आज जो हमारी है ये जिला पंचकुला ग्रामीण की कार्यकारिणी घोषित की गई है। जननायक जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है और उन्होंने आरोप लगाए कि कालका हल्के जैसे शांत प्रिय क्षेत्र में भी मर्डर और लूटपाट की घटनाएं बढ़ी हैं। कालका हल्के में नशे के माफिया और माइनिंग की दहशत से हर कोई परेशान है, जिन पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। आज प्रदेश के अंदर क्या आप अपने हलके के अंदर ले लीजिए, 2014 के बाद कालका विधानसभा क्षेत्र के अंदर इतने मर्डर हुए जो आज से पहले कभी नहीं हुए। ये शांत प्रिय एरिया गिना जाता था, लेकिन आज हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो घर से निकलते हुए डरता है कि शाम को घर पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा। तो जो यहाँ पर माफिया लोग, चाहे वो नशे का कारोबार हो चाहे माइनिंग का कारोबार हो, इन लोगों की यहाँ बहुत ज़्यादा दहशत बन चुकी है। जननायक जनता पार्टी ग्रामीण जिला प्रधान भाग सिंह दमदमा ने भाजपा पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की शिक्षा नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इनकी शिक्षा नीति बंद के कगार पर पहुंच चुकी है। आज ये आलम है कि एक कमरे में 3 कक्षाएं लग रही हैं, तो इस तरह से बच्चे कैसे मेरिट पर आ सकते हैं। शिक्षा के नाम पर सरकार मजाक कर रही है। शिक्षा की बात करें तो हमारे जिले के अंदर, हमारे हल्के के अंदर एक क्लास के अंदर 3-3 क्लासें पढ़ा रहे हैं। एक कमरा है उसके अंदर 3-3 क्लासों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो बच्चे मेरिट में कैसे आएंगे? जो खट्टर साहब कहते हैं कि मेरिट में नौकरियां दूंगा, अरे पहले बच्चों को एजुकेशन में बराबरी का दर्जा तो दें, उन्हें प्राइवेट स्कूलों के जैसी फैसिलिटी दें, तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। लेकिन जब टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कमरे नहीं है, वहीं मिड डे मील पड़ा है, एक टीचर मिड डे मील के रिकॉर्ड को मेंटेन करता है, कोई CCL के ऊपर होता है, तो शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। और अभी भी 96 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और लगभग अभी 600-700 स्कूलों पर और तलवार लटकने वाली है। तो भाजपा शिक्षा नीति फेलियर साबित हुई है। जननायक जनता पार्टी ग्रामीण जिला प्रधान भाग सिंह दमदमा ने स्वास्थ्य नीति पर सवाल खड़े किए और उन्होंने आरोप लगाए कि कालका हल्के में स्वास्थ्य विभाग की हालत खराब है। यहाँ के अस्पताल में मरीजों को रेफर करने का काम किया जाता है, रात में कोई मरीज आ जाए उसे रेफर कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार लाने का काम किया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में कालका, पिंजौर, मोरनी, रायपुर आने के अंदर ये सिर्फ रेफर करने के लिए हॉस्पिटल रह गए हैं। कोई मरीज आता है और ये उसको रेफर करने का काम करते हैं, जो बड़ा निंदनीय है। क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे दून हो, रायतन के अंदर कोई ऐसी PSC नहीं है, बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये 32 PGI भेजने का काम करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था लाएंगे हम कि एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर भी, कालका विधानसभा या हरियाणा में सामूहिक रूप से दुष्यंत जी ने काम करने की बात की, लेकिन हम कालका के अंदर एजुकेशन के अंदर जो कैब लगाने की बात थी वो परमानेंट कैब लगेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे स्कूलों के अंदर, बढ़िया टीचर देंगे, नियुक्तियां करेंगे टीचरों की भर्ती कर, ताकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में माँ बाप उनको मजबूरी में ना दाखिल करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल उनका शोषण कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी ग्रामीण जिला अध्यक्ष भाग सिंह दमदमा ने आरोप लगाए कि भाजपा सरकार में इस क्षेत्र की जीवन रेखा HMT को बंद करने का काम BJP पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि चाहे तो BJP पार्टी HMT को दोबारा से चालू करवा सकती है। उन्होंने आरोप लगाए कि युवाओं की हिस्सेदारी पर भी डाका डाला जा रहा है और उन पर BJP पार्टी द्वारा कुठाराघात करने का काम किया जा रहा है।
एचएमटी देखिए भारतीय जनता पार्टी के अगर हमारे क्षेत्र को सबसे बड़ी फेलियर देना है तो वो एचएमटी है, क्योंकि मोदी जी ने अंबाला के अंदर कहा था कि मैंने गुजरात में बंद पड़ी इंडस्ट्री चालू करवा दी, एचएमटी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन आज लोकसभा का चुनाव भी हो चुका है, आज हरियाणा के चुनाव भी लगभग 4.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अगर एचएमटी को बंद करने का, देखिए कांग्रेस ने जो किया उसको पैरालाइज करने का काम कांग्रेस ने अगर किया है तो मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये एचएमटी को सर्वाइव कर सकते थे, लेकिन एचएमटी को डुबोने का काम अगर सबसे बड़ी गुनहगार है तो आज की जनता में भारतीय जनता पार्टी इसकी बहुत बड़ी गुनहगार है। बेरोजगारी के अंदर हमारे क्षेत्र के युवाओं को योग्यता के हिसाब से भी पढ़े लिखे रोजगार था, ग्रुप डी के अंदर 111 पूरे जिला पंचकुला से, मेरा कहता हूँ कि 30-40 काल का विधानसभा से अगर हो गए हों तो इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि 400 अमूमन एक हलके के हिस्से में आ रहे थे, तो हमारी हिस्सेदारियों के ऊपर डाका पड़ रहा है। पीएन माली लगाने होते हैं तो बाहर से लगते हैं, यहाँ आउटसोर्सिंग पे लग रहे थे वो भी हमारे जिले के नहीं लग पा रहे थे यहाँ से, और अब सरकार ने आउटसोर्सिंग बंद करके भी एक युवाओं के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। जननायक जनता पार्टी ग्रामीण जिला प्रधान भाग सिंह दंदमा ने कहा कि जजपा पार्टी ने जहां ग्रामीण स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, वहीं जजपा के सुप्रीमो एवं पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला द्वारा हर एक जिले व गांव स्तर पर पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है और हर एक समस्याओं को उठाने का काम भी किया जा रहा है।